नदी के धार जवानी है उतर जाई, सिंगार रूप के पानी है उतरी जाई, ई देह माटी कह जवन तू समर ले बाड़ू, एकरा में सोना के पानी है उतरी जाई। खनक टकना लगत सुनयना, खनक जिनकी भैला का पहाड़ पर देसी पिया हे राजा जी, पर देसी पिया तोहरा बिन लागता बुखार, गायक कलाकार अशोकलाल यादव, आप लोगों की बेहद मांग पर एक कांड प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक होगा आवारा पति उर्फ लक्ष्मी नारी। विधा में चार लाइन भूमिका भैया, शान सोहरत किसी की विरासत नहीं, बस खुदा का दिया यारो उपकार है, जिस जवानी की ऐठन में पागल बना वह जवानी भी कुदरत का श्रृंगार है, ना भरोसा है तो पढ़ लो इतिहास को, हर फरिश्तों का चेहरा मचल जाएगा, क्या कहूँ इस जमाने की बंदिश पड़ा, सोच कर चलने वाला संभल जाएगा। अच्छा साथियों, क्या कहूँ इस जमाने का बंदिश बड़ा, सोच कर चलने वाला संभल जाएगा। एक लाइन कव्वाली कर ले जाबा,
बीखे गिट्टी पर गिरल बा रोड के बगल में, दिवाली के बियाह का दिन पड़ल बा। दिनो भैया राजन बाबू दिवाली इशारा कैलस का हो उठा, दिवाला काला तो हाल बिया होता ना, जा जा तो जा। दिवाली कल हमार बिया तो हो था, तो आऊं कहीं बढ़िया लड़की देख के बिया कला। आई रिश्ता का जब सवाल है, स्वर्ग में रिश्ता तय होला, यहाँ के उत्तर ना कर पावला, वही से जोड़ी बन के आवेले भाव हो। ऐसे कैसे हो जाई, दीवाना बताओ था राजन बाबू, ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत का सौदा देते हैं कभी भाव, कितना सुंदर लाइन है। आदमी बदल जाला है, आदमी बदल जाला, समय को तकाजा हो, कभी नजम का भाव। होती है कहानी की शुरुआत, कैसे मास्टर? सुनाऊं दोस्तों अजीब ये कहानी से, सुनाऊं दोस्तों अजीब ये कहानी से, धरा ये काप गई आज के निशानी से। प्रांत हरियाणा में हिसार जिला नामी है, प्रांत हरियाणा में हिसार जिला नामी है, वही की घटना यारो बन गई सुनामी है। पिता सुरजीत गरीबी में दिन बिताता,
सुरजीत गरीबी में दिल बिताते हैं, बेटा जोगिंदर को वो शौक से पढ़ाते हैं। भाईल सगाई घर में सुंदर दुलैया आईली, भाईल सगाई घर में सुंदर दुलैया आईली, खुशी परिवार में ऊंचा जस जुगई आईली। ए भैया, हिसार जिला ग्राम धर्मपुर का घटना बा। बाप का नाम सुरजीत, माई का नाम सुशीला, एक गो बच्चा पैदा भेल ए रामचंद भैया। एक ही बच्चा पैदा हुआ, अभी बच्चा 6 दिन का था, माँ इस दुनिया को छोड़ चली, भाई बचवा के छोड़ के दुनिया के छोड़ चली। सुरजीत गांव के बगल वाली नदी में ले जाके दाह संस्कार कैलन। ए भैया, लड़का के जियावे लगलन, खियावे लगलन। धीरे धीरे लड़का सयान भेल, जवान भेल, पढ़त लिखत, इंटर पास जब कैलस तो सुरजीत के लोग कहलस के भैया अपने लड़का के बढ़ा के पढ़ा दा, पढ़ला लिखला में बड़ा नीक बा। ए भैया पढ़ावे लगलन, बीए पास लिखा कैलस। गांवपुर के लोग का सहयोग मिलल, बिटिया का बेटवा का शादी के दिल। दुल्हन बन के मीना घर में अली, सुहाग रात मनावे बदे जोगिंदर जो सुहाग गृह में गया तो दुल्हन रोने लगी। चारपाई से उतर के दुल्हन चटाई पर बैठ के रोवे लगल और जोगिंदर भी रोने लगा। दुल्हन सवाल करे लगल कि जी हम तो गरीब बड़ी रोवत है, आप काहे रोवत हुआ। जोगिंदर कहा कि अरे मीना, मेरे दिल की हार्दिक इच्छा थी रे मीना कि मैं आगे की पढ़ाई और करूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है रे पागल कि मैं आगे की पढ़ाई करूं। मीना रो के अपने सैया के समझावे लगल एक लाइन तरस बा मास्टर। कौनो मेहरारू कहले रहल चढ़ली जवानी चढ़ली जवानी हमार, अरे भइल बा कालौजी रे भौजी, चढ़ली भौजी रे पियावा पसैला हमरो सऊदी रे भौजी, कि भौजी रे दुल्हन रो के कहलस का कहलस ए जी सुनी अनपरी गवार बाटी तोहरो लुगैया ये सैया, अनपरी गवार बाटी तोहरो लुगैया ये सैया जिसैया हो, चल जाना हमारा के अन गैया ये सैया, जिसैया हो जीवन का सारी खुशियां। ए जी सुनिनु
तू मिल गई ना। जोगिंदर रोवे लगला रे पगली, आए मीना मेरे घर में एक टूटा अन्न का टुकड़ा नहीं है रे। मैं पढ़ना चाहता हूँ, कैसे पढ़ूंगा, इसी बीच में तू आ गई तो सुन। मेरा इच्छा थी, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं पीसीएस करूंगा, दुल्हन रो के कलश से सुने। जीवन का सारी खुशियां तोहते लूटई बहो, तू परिहारा जा हम जाके कमई बहो। राजन बाबू, दुल्हन अपने पैर की पायल और कमर कर धनी और दुल्हन के जो सुहाग का प्रतीक होता है, मंगलसूत्र निकाल करके अपने बालम के पैरों पर रख देती है। जा जा सैया, जा जा, बेच के बाजार में तू अपन एडमिशन करा ला, पीसीएस करा। जोगिंदर पीसीएस करने लगा बाबू। पीसीएस के दौरान जोगिंदर पीसीएस पास कर लिया, रिजल्ट पेपर दे दिया, रिजल्ट आने वाला था। यह बहन के पेट में बच्चा पलत बा, डिलीवरी होके वाली बा। सुबह वक्त टाइम बा, 4 बजे भोर में मीना एगो बच्ची के जन्म दिली। अपने बालम से बुला के एक बात कर ली, ए सैया घर में टूटल अन्न का टुकड़ा ना बा, और बाबूजी से कह देता जहाँ मजदूरिया करे जालन वही से कुछ ले आवो बन जाए घर में, तो दुकोर भोजन कह लिया। आज दुल्हन इतनी बात सुन करके जोगिंदर घर से निकला, बाबूजी से कहा कि पापा, ए पापा हमारी बच्ची पैदा भइल है, बाप तो फूलो नहीं समा रहा है, मेरे बेटे को बच्ची पैदा हुई है, बड़ी खुशी है। लेकिन इशारा कर दिया बेटा कि पापा अन्न का टूटल टुकड़ा घर में ना हो, लेके होता वहीं से बन जात। फरुहा अपना कान पधेलन नीम से, दतुवन तोड़ के पेड़ से आ चले लगलन। तब तक कुछ दुर्बलन डाकिया लेटर लेकर के आ गया, एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। है तर्जमा कौन हूँ, मेहरारू कमरत जाए लगलन बंगाल कमाए। मेहरारू यह कहलस, अरे कहला डूबी मरू भाये राजा जी, ए बलमु जी कहला डूबी मरू भाये राजा, चाही बाजो पूर्व के देसवा तू भी मर भये राजा, ओही पूर्व देशवा में बस बंगली लिया हो, जादू चलई के पतिया
चलई के मतिया फेरी ली है राजा जई बजो पूर्व के देसावा तू भी मर भये राजा जई बजो पूर्व के देसावा लेकिन हे भैया का कहलसमीना रोवे लगलिए बाबू रोवे लगलिए बाबू मीना माया नवा देखबा साईया के भूखिया से दी साईया के भूखिया से नी कापला बदलवा देखबा रोवे लगलिए बाबू नीला माया नवा देखबा और हो रही है मीना साजन को भेज देती है लेकिन ये भैया कुछ है दूर जोगिंदर का बाबू सुरजीत बहलंत भैल का डाकिया लेटरवा जाबा हो लला समालावा हो रोवेला जोगिंदर घर घर रोवेला जोगिंदर घर घर बरस नया लावा हो पीसीएस पास कैला देखा पीसीएस पास कैला देखा सुरजीत का सुगनवा देखबा रोवे लगल है बाबू जोगिंदर समनवा देखबा जोगिंदर के पिता सुरजीत थोड़ी ही दूर आगे बढ़े तब तक डाकिया लेटर लेकर के आ गया और बताया कि भैया किसान भैया सुरजीत के घर कौन बा करण भैया सुरजीत का बात बा करण तोरी बेटवा जोगिंदर का लेटर बा पढ़ा लगलन जोगिंदर के बुलवा के बेटा पढ़ा का लिखल बा लिखल रहल पीसीएस पास कैला सुरजीत का बेटा एक किसान का बेटा एक मजदूर का बेटा एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा पीसीएस पास कर लिया है बाप फूलो नहीं समा रहा है लेकिन हे भैया बेटा जोगिंदर पापा के भर अखबार भर के रोवे लगल की पापा अब तो के मजदूरी करे ना जाए के होई अब हम अधिकारी हो जाई ना बेटा अधिकारी हो जाई बा हमार दुख कट जाए बेटा बेटा आश्वासन दे दिया हाँ पापा कट जाएगा दुख मैं अधिकारी हो जाऊंगा लेकिन ए पंचो धीरे धीरे समय बीतल ज्वाइनिंग लेटर आ गया और जोगिंदर जा करके ड्यूटी ज्वाइन कर लिया इसी दिल्ली शहर के बगल में एक हापुड़ जिला है वहीं पर एसडीएम बन करके तैनात हुआ और एक बार दो बार तीन बार ड्यूटी करके जोगिंदर छुट्टी लेकर के घर आया है चौथी बार जब अलन तो दुल्हनिया अपने बालम का पैर दबावे लगल रात कैठे बात कलस का कलस एक लाइन तरस बा तरस बा माई का गली बेटी नियरा बिया हाँ बता बाबू का गला बड़ा दूरा हो
वाली गीत पर गौर करिएगा। हाथ जोड़ा मीना कह बलमा से बतिया का, हाथ जोड़ा मीना कह बलमा से बतिया का, तोरी हाजन मोरा पिसावा सहो। दुल्हन का कुछ ना कहत बाटी, आतवा के जलत बाटी, होत बाटे हमो के आ बास हो, तोरी हाजन हमारे सा नहीं आख डोरिया हो, तोरी हाजन हमारे सा नहीं आख डोरिया ता, होत बाटे हमो के आ रो रही है कलश जी। आप एसडीएम बन गेला, आपके ऐला में और गैला में बड़ा फर्क बस आए। ए जी तोरे पढ़ाई खातिर दुनिया के लोगन का गारी मारी सहरी, चौका बर्तन कैली, अपने तन का सिंगार बेच देली, लेकिन ए जी हर दाई के ऐला में अब की दाई के ऐला में बड़ा बदलाव बा। रोवे लगल मीना अपने सैया का पैर पकड़ के, जोगिंदर एसडीएम उठा, ए मीना पागल हो गई है तू, हमको निरक्षर समझ रही है, अनपढ़ गवार समझती है। रुवे लगल के साहेब हम अनपढ़ गवार निरक्षर न समझत है, आप चलाक हुआ लेकिन हर दाई के इला से अब की दाई के इला में बड़ा बदलाव बा। इरफान बाबू रोके सवाल कैले सी है, एसडीएम छह दिन रहा चला गया और छह दिन के आए में एसडीएम और मीना के संपर्क से गर्व ठहर गया। एक महीना बीतल, दो महीना बीतल, तीन महीना बीतल, मीना अपने बालम के फोन लगावे लगल तो फोन के कोनो जवाब ना आवे, मोबाइल स्विच ऑफ बतावे। मीना रोवे लगल कि आखिर हमरा सैया के का हो गई। ए पंचो बीतत बीतत कुछ समय बीतल, नौ महीना दस दिन बीत गयल, मीना एक बच्चा के जन्म देलस। शिवरात्रि के दिन रहल अपने बचवा के गोद में लेके रोवे लगल, अरे बेटा अरे मुन्ना आइला ता, लेकिन तोरी पापा का मुलाकात तुमसे न हो पाई बेटा। रोत भमाई धीरे धीरे मुनवा के जियावे लगल, खियावे लगल, चार वर्ष का बेटा हो गयल। एक दिन अपने माई से दीपावली के दिन सवाल कैलस, माई अरे पगली तू ना बतावे लू, ओकर पापा इलन ओके कपड़ा बनौलन हमाई, अरे पगली हमार पापा कब आई हमाई, तू काहे ना बतावे नी रे पगली। रोवे लागल बेटा माई के कलेजवा में सून बन के चुभे, मतारी अपने बेटा के समझौले से बेटा तोहर पापा इहन देर बा, तोहर पापा होली में ना बोलो बेटा तो दीपावली में यहाँ मत रोवा। बाबू संतोष के लिए जब दीपावली आई अपने माई से सवाल कैलस, क्या सवाल कैलस, ए पंचो की ए मम्मी अरे पगली दीपावली आ गई हमार पापा हमके कपड़ा न बनवाई हमाई, होली होके तो गुलाल, दीपावली होके तो पड़ाका अपने बेटा के थमा दे, बेटा भुला जा। हे भैया पढ़त लिखत लड़का 13 बरस का हो गया, बिटिया 18-19 बरस का हो गया, मास्टर साहब एक लाइन तरस बदल गया, माई भीख मांगे लगल, गोरी तोरी है
थोरी थोरी मुसकी छा अवलिया रे आर बलिया हिलावे या बिना बरसे नया नवा हो या बिना ढूर लनाया नवा हो जैसे बरसे सवनवा या बिना ढूर लनाया नवा हो जैसे बरसे बिटिया सयान भइल शादी का उमरिया एसडीएम हमर सांवरिया हो एसडीएम हमर साजनवा हो जैसे बरसा सवनवा एसडीएम हमर सा भैया हो मतारी भीख मांगे लगल बिटिया 19 साल का हो गई बेटा 13-14 साल का हो गल माई भीख मांगत एक दिन गईल का सो ठीक लाई लगल मास्टर साहब अरे के ही तो हके मरला ए जोगी के ही गरिया वाला अरे के ही गरिया वाला हो किया तिरिया बिरही बोलिया बोल लहोरा किया हो राम रे पागल के नहीं आया बापू घूम गौआ गौआ रे घूम गौआ गौआ हो भिखिया मंगल हजार न हो रहा किया हो रहा मारे भिखिया मंगाता बापू दाई लीटा गारिया अरे धरी लीटा गारिया हो आई गई लीले खताला द्वार न हो रहा किया हो रहा मारे भीख मांगती हुई मेरे साथियों मीना घर से बढ़ गई कुछ दूर गई भीख मांगी कुछ चीज को समझ में आ रहा है 1 रुपया 2 रुपया दे रहा है कह रही है कि भैया बस सिर्फ शादी का सवाल है मेरे मेरी बेटी शयान हो गई है भैया 1 रुपये 2 रुपये मदद कर दो भैया मैं ज्यादा खजाना नहीं मांग रही मीना मांगती हुई घर से दूर चली गई लेखपाल साहब के दरवाजे पर पहुंच करके अलख लगाती है लेखपाल साहब अरे बाप रे बाप मैंने सुना है लोग बताते हैं लेखपाल साहब गरीबों की मदद करते हैं तो क्यों नहीं इनसे मैं मदद ले लूं कलश के साहेब हमरी बिटिया का भी आप कुछ मदद कर दे साहब मेरे साथियों लेखपाल साहब बुला करके अपने बेटे को 1000 रुपया और 50 किलो चावल का बंदोबस्त कर दिए मीना जब 1000 रुपया ले लेलस थोड़ी चावल बांध देलस थोड़ी रख देलस के साहब दूसरे दिन आके उठा के लेके जाई
लेखपाल चलते समय उस मीना से पूछने लगा, ए बेटी, ए बेटी आप, अरे तेरा नाम क्या है रे, क्यों नहीं बताई? कलश मेरा नाम मीना है, घर कहाँ है? धर्मपुर। तो लेखपाल कहा, उसी गांव का रहने वाला एक मेरा मित्र जिसका नाम जोगिंदर है, पहले तो एसडीएम था, अब एडीएम हो गया, प्रमोशन कर गया। लेकिन ए साहब, इधर मीना जब खबर बोलस कलेश साहब, तन उन्हों का एड्रेस बता देता, उन्हों से भीख मांगब। मीना एड्रेस पता लेके घरे आई। लेकिन इधर जोगिंदर साहब एक प्रमिला नाम की डीएम साहब की लड़की से अपना लव मैरिज कर लिए थे और ऐसो आराम कर रहे थे। लेकिन यहाँ मतारी यार दुल्हन मीना अपने सैया खातिर ढुलकत बा, रुवर बा अमर सैया नैलन का हो गयल। लेकिन ये भैया जब खबर पुलिस की डीएम हुआ तो अपने अड्रेसवा लेके अपने घरे आवत रहल, तो देखलस बेटा पढ़े जात रहल बस्ता कंधा बधे के माई के देखलस, अरे पगली, अरे माई तू भुला जालू तोरे बेटा के स्कूल भी जाए के होला, दिदिया कुछ नहीं खी बनोले भोजन ना बहल, माई माई अपने बेटा के अचरा के छाव में दुलार देवे लगली है सुका, आज स्कूल ना जाए के हा, आज तो के स्कूल ना जाए क्या, आज कलम दे दा, कागज दे दा, हम एक लेटर लिखब, के लिखू ए माई, पापा के, अरे पगला तू जब कहता है तो शुभ कहता है, शुभ कहता है, तेरे पापा को लेटर लिखूंगी। ए भैया मतारी कागज और कलम लेके एक लेटर लिखत बा, बिरहा में विदेशिया क्लाइन है, खाटी विदेशी मास्टर भिखारी ठाकुर गावे के। कवन भाईल हमसे कसूर, पैया खबर स्वामी आईहा भवनावा, बिटिया के करिहा कल्यादान, अरे तोरी पढ़ाई खातिर लाख हम उध्यापन गईली, बेची दिहली तन का सिंगार, पैया खबर स्वामी आईहा भवनावा, बिटिया करिहा कल्यादान, बिटिया के करिहा कल्यादान। एक लेटर लिख के मीना और पिसान से तोप दिलस ये राजन बाबू, तोप दिलस। लेकिन ई न लिखलस की लेटर वा के लेके जाई, माई लिखे लगल, अरे पगला तू लेके जाइबा लेटर अपने पापा के ला, हम तो बुलाइए गईली, माई एक लाइन और लिखलस का यही भाव में, गोदिया के थाती मार यह पाती लेके जात बाटा, देखिया हमर भोलवा गवार, देखिया हमर सुगवा गवार हो। अरे लगल ए जी जे लेटर लेके जात बानो, हमार तो हर 5 दिन के मुलाकात में ये बच्चा पैदा भयल, जो ने बच्चा का नाम शिवरात्रि के दिन भोला रख देली, भोलवा हमार लेटर लेके जाता ए सैया, काला में सुनला में हमरे बेटा से कोनो त्रुटि हुई ना, हमरे सुगा के माफ कह दिया साहेब, माफ कह दिया, आज
लेटर लेके बैठा थे यार भैल। माई ए माई माई सुनत हो? हाँ बेटा का कथवा बोला। हे पगली हमार फटल पैजामा फटल शर्ट कैसे जाइब रे पगली, तनी केहू के मांग के दे दे तू। मतारी मंगलस ए पंचो, लेकिन केहू का न मिलल। मतारी बेटा के तेल लगा देलस काजल लगा देलस जाए हीरा। तो के बड़ा नीक लगत बा, हाय रे गरीबी कहाँ तक पहुंचा देती है। आज बेटा चलल है बिरहा में कलाइन तरस बदल गया मास्टर। तो के चढ़ई बमैया तोहके चढ़ई बमैया इहा गारी अर सुनारिया की गंगा जी पार कई दा बोझाली नेवारिया की गंगा जी बेटा लेटर लेके आगरा शहर के लिए रवाना भैल। आगरा शहर स्टेशन पे आ गया बेटा, लेकिन ए पंचो भैल का अरोमा स्टेशन आल्हारा सुगा नवा हो लया नवा बरस हो लया नवा बरस बाबू काहे बन गई ला भुखिया पियासिया से भुखिया पियासिया से तरपला परा नया नवा बरस काहे पापा बन गई ला बेगा नवा हो नया नवा बरस लड़का रिक्शे पर बैठ करके एक रिक्शा वाला छोड़ा। अरे पगला तू बीपत का मारा है ना, मेरे रिक्शे पे बैठ जा रे बेटा, तुझसे कुछ नहीं लूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा रे बेटा, चल। छोड़ दिया एसडीएम साहब के बंगले तक और बता दिया वही ऊंची कुर्सी पर एसडीएम साहब बैठे हैं, एडीएम साहब बैठे हैं, हमारे जिले के बड़े ही गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की मदद करते हैं। लड़का सचलस क्यों के पता ना बा कि हमार पापा हूं। लड़का गयल अब गयल तो आम के सोर पर बैठ गयल। माई के देहल थोड़ी रोटी थोड़ी तरकारी रख ले बा कि जब भूख लगी तो खाई। पापा मिल गए लन, पापा हमार हाल पूछिय, पापा के डांटब तू मम्मू के भुला गईला, तू बाबा के भुला गईला, तू बहनी के भुला गईला ना। पापा के बहुत डांटक, लेकिन बैठल बा कि भीड़ बा ज्यादा, ए ड्रेस में जाए तो हमरे पापा का इंसल्टी हो जाई, बेइज्जती हो जाई। थोड़ी देर के बाद वह बालक जब भीड़ समाप्त हुई सोचा पापा के पास जाऊं, तब तक पापा का फोन आया और पापा अपनी गाड़ी में बैठ करके जाने लगे। एडीएम साहब जब गरिया में बैठ के चाय लगलन सोचे लगे लगत बा पापा से मुलाकात न हो पाई। हे भगवान पापा चल जइया, उहल लेटरवा माई का देहल लेटरवा उठाई के वही में एक पत्थर का टुकड़ा डाल के एडीएम साहब के चलत गड़िया में फेंक देलस फेंकलस। सरंगा के लाइन लगे मास्टर। घरवा का मारल जाबा बनवा में गईली, अरे बनवा में गईली ता लग गई लो बनवा
करे बन बेचारा जब फूटल कर्ममा लागल नसीबिया में आग हो। घर का मारल बन में गईली बन में लगल आग बन बेचारा का कर जब अपने कर्म में लगल आग। कैलाश का बेटा गड़िया के पीछे पीछे दौड़ा सुगाना वायर दौड़ा सुगाना वाता लेटर दिया लो गड़िया डाल जी एकता लेटारा वाके देखल सिपहिया भैया देखल सिपहिया ता मारे लगल लठियन का मार जी होइ के बेहोश बेटा गिरल जमीनी आयर गिरल जमीनी आता माई माई करला जिगार जी। बेटा लेटर गाड़ी में जो ही फेंक रहा है बंगले का सिपाही देख गया रे साले रेडियम साहब की गाड़ी में तूने क्या फेंका है। लड़का रोवे लगल है साहब भूख लागल रहे रोटी मांगे खातिर साहब के गाड़ी के पीछे पीछे दौड़त रहली। हम कौनो चोर कौनो चक्का न साहब हमके माफ कैदा साहब मत मारा हमार माई सुनी हमरे बेटा के साहब लोग बहुत मरलन हे साहब माई हमार बहुत रोई साहब हम अपने माई के इकलौता बेटा ही साहब हमार बाबू का पता ना बा साहेब बीपत का मारल ही साहेब काहे के मारत हुआ। बेटे को मारना चाहा पैर में तब तक अचानक बेटा गिर गया वह बूट पैर में नहीं लग करके उसके सर पे लग गया बाबू गर्दन के ऊपर। अचानक वह बेटा भोला बेहोश हो गया हो सायल खड़ा बहल माई अरे पगली तू तो लेटर देनु पापा के देवे के ना अगर जियत रह तो तुमसे मुलाकात हुई मर जाई ए बेटा के अपने माफ कह दिया माई माफ कह दिया। हंस रोत बा रोता हुआ बालक लड़खड़ाता हुआ छोटी चार दीवार थी उसी चार दीवार पर जाकर के बैठ गया। अचानक वह बेटा फिर बेहोश हो गया लेकिन ए साहब बेटा बेहोश हुआ खाई में गिर गया यहाँ की बात यही छोड़िए। एडीएम साहब गाड़ी में बैठ के जाए लगलन टेरी क्लाइन बा एके बिरहा स्वर्गीय सम्राट बुल्लू दादा गांव है कहां डूबते को भी किनारा मिल गया डूबते को भी किनारा डूबते को भी किनारा मिल गया सपना लाखों लेकर चला हलाल दुलारा डूबते को भी किनारा मिल गया। बुल्लू दादा का अंदाजे लग रहा लेकिन बाबू रोत बा बेटा बेहोश हो गया और एडीएम साहब की गाड़ी चली है। जब बंगले से कार्यालय पर एडीएम साहब पहुंचे तो अल्लाह कलाइन का मास्टर पतिया पतिया पढ़ा तयडियम साहब घा पढ़ैला बाबू बेटा बेटा कहीं क्या रोवे साहब तान थनवा बाबू
वाले भाई गौर करिएगा, एडीएम साहब गाड़ी में बैठ करके जब कार्यालय पे गए तो ड्राइवर गाड़ी की साफ सफाई करने लगा। अचानक जितेंद्र बाबू गाड़ी में एक कागज का टुकड़ा ड्राइवर पाया और ड्राइवर कागज का टुकड़ा खोल दिया तो लिखा है, सेवा में सरस्वती सर्वोपमा योग पत्र लिखा गया, मेरे साहब, मेरे एडीएम साहब रो रही है, रो रहे एडीएम साहब, लिखा है कि तुहरी पढ़ाई खातिर लाख हम उद्यापन कैली, बेच दिहली तन का सिंगार हो सजनवा, पैया खबर स्वामी यहाँ भवनवा, तब बिटिया का करिहा कन्या दान हो सजनवा। तुहार लक्ष्मी एक बरस का ना, तुहार लक्ष्मी 19 बरस का हो गई बा, ब्याह कर के चल दे यहाँ सवाल ना करब, कन्या दान करके चल दे यहाँ। लेकिन नीचे वाली लाइन जब एडीएम साहब पढ़े तो लिखा है कि गोदिया कथा थी हमार पाती लेके जात बाटा, देखिया देखिया मर भोलावा गवार हो सजल। ए सैया काला में सुल्ला में कोनो त्रुटि हुई, हमरे मुन्ना के माफ कह दिया साहब। मेरे साथियों यही तो एडीएम साहब पढ़े, कहे कि आज खोजता हुआ मेरा औलाद, मेरा मासूम बच्चा पागल की तरह घूमता हुआ मेरे पास आया है। गाड़ी स्टार्ट किए, ड्राइवर को इशारा किए, ड्राइवर गाड़ी मोड़ो और कार्यालय से बंगले की ओर चलो। मेरे साथियों होता है क्या, भाव भी कहना है, घूम गईली गाड़ी साहब चालल बंगलवा बाबू, इतना में लारी गईली साप वाली गड़िया बाबू, भाई लगे जगह पर तू खामान। ड्राइवर गाड़ी को बढ़ा रहा है आगरा सर की बाजार, क्रॉस कर रही है गाड़ी, ड्राइवर को तमतमा करके एडीएम साहब ने एक थप्पड़ चला दिया। ड्राइवर साले तुम्हारी गाड़ी में रफ्तार नहीं है क्या, बैलगाड़ी की तरह चल रहा है। ड्राइवर मालिक का थप्पड़ खा करके एकाएक गियर चेंज करने लगा, गाड़ी सनसनाती हुई आगरा सर के हाईवे पर क्रॉस कर रही है। मेरे साथियों तब तक ओवरटेक करने लगा ड्राइवर एडीएम साहब का, मालगाड़ी ट्रक को तक ओवरटेक नहीं कर पाया, तब तक वह लखनऊ से दिल्ली जाने वाली बस और एडीएम साहब की गाड़ी का संतुलन खराब हुआ, गाड़ी मौके पर जोरदार टक्कर होता है, ड्राइवर तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, अधिकारी घायल हुए, सिपाही घायल हुए। घायल अवस्था में 108 और 100 नंबर पहुंचती है। भारे अखिलेश यादव आपकी योजना का जितना भी गुणगान किया जाए कम है, 108 और 100 नंबर दोनों मौके पर पहुंचती है, लेकर के मेरे साथ जो अग्रासर के बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। एडीएम साहब को 4 घंटा के बाद होश आया, कहे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर चेक किया, कहा कि सर आपके दिमाग में चोट लग जाने के कारण सदा के लिए आपकी आंखें रोशनी चली गई है, अब आप दुनिया नहीं देख पाएंगे। एडीएम साहब कहे दुनिया देख पाऊंगा ना पाऊं, लेकिन मुझे वह बालक चाहिए जो मेरे बंगले के इर्द गिर्द घूम रहा था, हाफ शर्ट और पैजामा पहन करके, वह कोई और नहीं मेरा खून है, मेरे पास लाया जाए। मेरे साथियों अधिकारी निकल पड़े बच्चों को की तलाश लगे करने, बच्चा खाई में गिरा लाया गया, 2.5 घंटे के बाद बच्चे को होश आया, पूछे लगे एडीएम साहब की बेटा, और बगल में बैठी एडीएम साहब के दूसरे दुल्हन एडीएम साहब की लड़की प्रमिला भी बैठी है। एडीएम साहब ने सवाल कर दिया, बेटा तेरा नाम क्या है? हमारा नाम अंकल भोला है, तोरी पापा का नाम है बेटा? तब तक कलेजा फाटे लगल, अंकल मेरे पापा इस शहर के बहुत बड़े अधिकारी है, आप नाम सुनेंगे तो डर जाएंगे, तोरी मम्मी का नाम है? हमार मम्मी
हमार मम्मी का नाम मीना है और हमार बहिनी बड़के है जो हमार पापा हमरे बहिनी हमरे दीदी का नाम रख के गए हुआ। हमरे दीदी का नाम अंकल लक्ष्मी है। हमार बहन का जब पैदाइश भइल तो हमरे पापा का नौकरी लागल यही पर एडीएम साहब फूट फूट के रोवे लगल कि अरे पगला तेरा क्या नाम है। हमार नाम अंकल भोला। हमार पापा यही शहर में अधिकारी हम पापा से मिलल चाहते अंकल। इतना सुनते ही एडीएम फूट फूट करके रोने लगा अरे पगला मैं कोई और नहीं रे मैं तेरा ही बाप एडीएम हूँ मेरा नाम जोगिंदर है। रोने लगा बेटा। एडीएम साहब ने आदेश किया बच्चे का बाल कटवाया जाए स्नान करवाया जाए इसका ड्रेस चेंज करवाया जाए। ए पंचो बाल तो कट गया बेटा का स्नान हो गया जब कपड़वा चेंज करवावे लगलन और रोवे लगल बेटा ना अंकल हमार मम्मी भीख मांग के लिया के बनवोले रही हम एक ना फेंकब चाचा एक ना फेंकब और रोवे लगल लड़का चाचा एक हम निकालब हाँ बेटा निकाल दो निकलवाए लेकिन एक पॉलिथीन में एक बरसाती में लड़का वह कपड़ा रख लिया कि मेरी माँ भीख मांग करके मुझको बनवाई है। रोने लगा साथियों भी हाँ तो आप लोगों ने बहुत सुना है बहुत लोग गाते हैं लेकिन भाव है लड़का वही हॉस्पिटल में पापा के देख रेख करत माई के फोन लगा दिलस के मम्मी पापा हमार मिल गए हुआ ठीक हुआ बेटा तो हर पापा हाँ मम्मी प्यार दहलन दुलार दहलन ना मम्मी पापा कुल चीज दहलन लेकिन लेकिन का बात जल्दी से बतावा। मम्मी से बेटा कहलस की पापा का एक्सीडेंट हो गल बा पापा एडमिट हुआ पापा के दुनिया ना देखा था आग से कुछ दिखाई ना देत बा बाहरे दुल्हन बाहरे धांगली उसी ड्रेस में अपने बेटे के बताए हुए एड्रेस पर चल देती है। आईली है 8 दिन अपने सैया का सेवा बर्दाश्त हुई हॉस्पिटल में कैली 9वां दिना जाके डॉक्टर साहब से मिली की ऐसा है जो एडीएम साहब भर्ती हुआ इनके कुछ दिखात रहा है ना दिखात रहा ना साहब। कहा डॉक्टर नहीं बेटी क्या कहना चाहती हो तुम हो कौन। खाली है साहब हम एडीएम साहब का नौकरानी है एडीएम साहब का नौकरानी है। तो कहा क्या कहना चाहती है। कल ए साहब हमार दोनों अखियां निकाल के एडीएम साहब के लगा जा। डॉक्टर सवाल कर दिया बेटी अरे पगली तू कौन है जो अंधकार में जीवन बिताना चाहती है और एडीएम साहब को नैन दान करना चाहती है। सलाह लेकर के एडीएम साहब को मीरा का एक नैन निकाल करके डॉक्टर लगा दिया नहीं मैं तुझको अंधकार में नहीं डालना चाहता एक नैन होगा तू दुनिया देख सकती है। ए भैया जब नैन लग गल 14वां दिन डॉक्टर साहब का पट्टी खुले लागल डॉक्टर बताया एडीएम साहब आपकी आंख में रोशनी आ गई है दुनिया देख पाएंगे एडीएम साहब दुनिया देख पाएंगे। एडीएम साहब ने सवाल कर दिया मैं दुनिया देखने से पहले उस देवी को देखना चाहता हूँ जिसने मुझे नैन दान दिया है। बुलावल गई लड़का गैल माई से कलश की मम्मी अरे पगली अग्नि परीक्षा का समय आ गई तू सीता सावित्री अनसुईया हो चला अग्नि परीक्षा दे के पापा के साबित कह दा चली है मतारी। इधर एडीएम साहब का पट्टी खुलत बा आखिरी कड़ी का भाव है। इहा रोके कहला से वही पट्टी खुला एडीएम साहब का। एडीएम साहब ख्वाब में डूब गए रन की हम का देखा थे अपने दुल्हन के देखल मीना के दौड़ के पैर छुअल चाहत हुआ 3 पग मीना पीछे हट गई। नहीं हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान की नारी के लिए हिंदुस्तान का पति परमेश्वर के समान होता है अब पैर छू करके मुझको नरक में मत डालिए। कहलस का मास्टर जनल हम के जीवन मरन दान सजनम त चल के बिटिया पे कई द जन्म दान सजनम
सजना करे सैया रो के हमारा अपमान मत करा। चला आज क तारीख है 17 कल तोरे बिटिया का परसों 19 तारीख के विवाह। चला अरे काला जोगेंद्र मीना भूल भइल भारी करबू न मत तन मारी दुनिया सारी। लेकर के मेरे साथियों अपने बेटी के पास और पापा के पास वह बेटा अपने पिता जोगिंदर और माँ मीना को लेकर के अपने प्रैतिक स्थान धर्मपुर हिसार में आया। ए भैया अरे लड़के जोगिंदर अमीना आईली भवनवान खटिया पर गिरल रहल सूरज किसाना को लेकर के मीना अपने प्रतीक स्थान धर्मपुर में आई और पापा के पास पहले जोगिंदर जाकर के साष्टांग प्रणाम किया। पापा मैं आपका जोगिंदर। अरे बेटा अरे पगला वही जोगिंदर है तू, जब तेरी माँ मर गई तो तुझको माँ बन के मैंने पाला है, तू तब भूल गया अरे पगला, क्या मुझसे माफी मांग रहा है? अगर मांगना चाहता है तो जा जा मीना से माफी मांग जो एक बेटे का फर्ज अदा किया है मीना ने। जाओ तुझे साक्षात नारायण भी माफ नहीं कर सकता। रोने लगा जोगिंदर। पापा आप नहीं माफ करोगे कौन करेगा? और मेरे साथियों जो एडीएम साहब की दूसरी दुल्हन जब समझ जाती है कि दूसर शादी कैले हुआ उनके पास लड़का बा बिना बतावल वही से हट गई धीरे से चली गई। और जोगिंदर को तब सुझ गया कि दुनिया में कोई नहीं है। गौले रंग भैया कि तोरे बर्फील नीक मोर लवाही मितौ क्या भाव था। और मेरे साथ ये उसी डेट पर 19 तारीख को जोगिंदर अपने बेटी की शादी किया। गरीब परिवार से बारात आने वाली थी, जाकर के सारी व्यवस्था जोगिंदर वहाँ किया, अपने दरवाजे पर खुशी खुशी बारात मंगवाया और बेटी को टोली में बैठा करके विदा कर दिया। और बाप और बेटा और दुल्हन को लेकर के अपने आवास पर अपने घर पर रहने लगा। ऐसे मेरे विरह की आखिरी लाइन गई। गुरु बिहारी गुरु पत्तू कै खत्म हुआ दस्तान चंद्र बलिया हलदार जी अरे काशी का किया प्रयाण कि डूबते को भी किनारा मिल गया, डूबते को भी किनारा मिल गया, हवलदार अशोक लाल का सतगुरु का सहारा, कि डूबते को किनारा मिल गया। जन्म जन्म का साथ एक तुम्हारा हमारा हमारा।